ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की मांग यही है कि जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ बड़े इवेंट भारत देश में होने वाले हैं, सबकी नजर उन पर रहेंगी। साथ ही साथ देखा जाए तो दिल्ली के नए संसद भवन का उद्घाटन भी होना है, पीएम मोदी के हाथों द्वारा ही होगा। लेकिन ऐसे में पहलवानों ने साफ कहा कि गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। पहले तो अल्टीमेटम दे रखा था, लेकिन अल्टीमेटम होने के बाद भी यहाँ पर कुछ बड़ा किया नहीं। लेकिन अब ये बात साफ कर दी गई है कि गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, लेकिन बीजेपी का अभी तक इस मामले पर कोई रुख सामने नहीं आया है। देखा जा रहा था कि पहले कर्नाटक चुनाव चल रहे थे, फिर पीएम मोदी विदेशी दौरे पर चले गए थे, लेकिन वहां से वापस आने के बावजूद भी अब तक कई ऐसी खबरें हैं जो बिल्कुल गुप्त रूप से रखी गई और बीजेपी का कोई फैसला यहां पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी कब तक चुप रहेगी। और इसी चुप्पी का फ़ायदा यहाँ पर ब्रजभूषण उठाते हुए यहाँ पर साफ तौर पर कई बड़े ऐलान करते नजर आए कि पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा अगर कहेंगे तो मैं गिरफ्तार का इस्तीफा भी दे दूंगा, क्योंकि उनका जो फैसला होगा वो आखिरी होगा और सलाखों पर होगा। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला दिया ही नहीं। लेकिन दबी आवाज में बीजेपी के कुछ नेताओं ने बात साफ कर दी थी, भले आलाकमान नेताओं ने नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया था कि ब्रजभूषण पर अब कानूनी जांच चल रही है और कानून से बढ़कर तो हम हैं नहीं, तो पहले कानून को अपना काम करने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। कानून की नज़र में अगर ब्रजभूषण दोषी हुए तो गिरफ्तारी की मांग हम भी उठाएंगे। देखा जाए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से अपने फैसलों के लिए जानी जाती है, ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। जहाँ पर इनके लिए अगर कोई यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई बड़ा नेता हो, तो उसके खिलाफ भी फैसला लेने से कतराते नहीं हैं, फैसला लेते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा मामला बना है कि ब्रजभूषण के खिलाफ अभी तक एक बयान तक नहीं दिया गया। याद होगा एक समय टाडा के केस के चलते तिहाड़ जेल में बंद हुए थे ब्रजभूषण, तब अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, उन्होंने खुद लेटर लिख के ब्रजभूषण को कहा था कि आप चिंता मत करो, हम आपको बचाएंगे। तो आप इस बात से ब्रजभूषण की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबकी नज़रें दिल्ली पुलिस की जांच पर बनी है, लेकिन सबकी बात यही है कि दिल्ली पुलिस भी तो गृह मंत्रालय के अंडर में ही आती है, तो वही क्या यहाँ पर कुछ करेंगे, वही कुछ बड़ा खेल कर देंगे। तो ऐसी तमाम बातें की जा रही, आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।